हो आप लोग? सभी बड़े होंगे, सभी तबीयत अच्छी होगी, घर में भी सभी बढ़िया होंगे। तो यार आज अपन चल रहे हैं सुजुकी की इवेंट के अंदर, और पहले अपन अपनी बाइक को वॉश करवाएंगे। वॉश करवाने के बाद के अंदर लेके आएंगे वापस, यहाँ पे आके तैयार होंगे, तैयार होने के बाद में चलेंगे। तो चलो निकलते हैं अपन यहाँ से, घर से सीधा मिलते हैं आपको जहाँ अपनी बाइक वॉश करा रहे हैं। पूरा वीडियो देखना, वीडियो में काफी मजा आने वाला है आज, क्योंकि सुजुकी का इवेंट है आज, ऐसे छोटा मोटा इवेंट थोड़ी ना है। तो उन्होंने बुलाया है तो उसमें चलेंगे अपन। तो अभी तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद में, पहले तैयार नहीं होते, पहले बाइक को तैयार करके लाते हैं, बाइक को वॉश कराएंगे, वॉश कराने के बाद अपन नहाने चलेंगे। तो मिलते हैं आपको बाइक वाली जगह पे ही। तो यार पहले आ चुके हैं अपन अपनी बाइक को वॉश करवाने के लिए, और राइड पे जाने से पहले अपनी बाइक वॉश होनी जरूरी है, क्योंकि बाइक बढ़िया लगती है, अपने बढ़िया लगते हैं, अपने हाथ धोके जाते हैं, तो इसका मतलब बाइक को भी नहलाना चाहिए। तो अपनी बाइक वॉश कर रहे हैं भैया, जस्ट सुबह पहले आए हैं और सुबह पहले बाइक को वॉश करा रहे हैं। ठंडी लगा रहे हैं इसको, थोड़ी ठंडी लग रही है। भैया काफी रगड़ के धो रहे हैं अपनी बाइक की चमकेगी। तो मिलते हैं बाइक वॉश कराने के बाद में। इसे पानी मार रहे हैं, सरफ वगैरह रगड़ दिया इसके, और अभी भैया पानी मार रहे हैं इसके ऊपर, एकदम ग्लो आने लग गया इसका। जस्ट वो पानी मारते इसमें शाइनिंग आने लग गई वापस बाइक की। अभी डर काफी गंदी हो रही थी, क्योंकि गाँव से लगाए देना तो वॉश भी नहीं करवाई, सीधी लेके आ गए थे। वॉश करा, वॉश हो गई, देखो कितनी शाइन मार रही है। वॉशिंग के बाद इसे चेन टाइट कराएंगे, फिर चलेंगे अपने घर, तैयार होंगे। तैयार होने के बाद में चलेंगे अपन इवेंट के अंदर। सुजुकी का इवेंट है, काफ़ी बढ़िया इवेंट होने वाला है ये। तो दिखाते हैं आपको वॉश होने के बाद में कैसी लगती है अपनी बीस्ट। फाइनली अपन अपनी बाइक वॉश करा के आ गए हैं। अपन आपने देख लिया होगा कि आप बाइक काफी चमकने लग गई है। और अब चलते हैं अपन नहाने के लिए, नहाएंगे आज, क्योंकि कल नहीं नहाए थे ना, आज गंदे हो रखे हैं। तो अभी नहाते हैं, फिर चलते हैं अपन इवेंट के अंदर। अभी टाइम हो रहा है 10:30। यार अभी हो चुके अपन तैयार, और अब चलेंगे अभी जस्ट। तो अभी चलेंगे अपन सुजुकी के इवेंट में, पीछे से लाइट आ रही है तो अपन गोरे आ रहे हैं। वैसे भी अपन गोरे ही हैं, ये हर व्लॉग में बात बोलते हैं अपन। ये पड़ी अपनी जैकेट इसके पीछे, और उस रूम में पड़े अपने हेलमेट, और ये अपन तैयार हो चुके हैं पूरे के पूरे। दिखाता हूँ आपको पीछे वाला कैमरा करके, देखना अपन कैसे लग रहे हैं। ये अभी बाल तो हेलमेट की वजह से खराब हो जाएंगे, कितने चालो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो चलते हैं अपन इवेंट के अंदर। बाइक देख लो आपने, कितनी एकदम शानदार चमका दी अपन ने। और अभी देखते हैं इवेंट में क्या क्या है, क्या क्या सीन नहीं है। JRC के कम से कम 10 बंदे आ रहे हैं अपने, JRC ग्रुप है ना, जयपुर राइडिंग क्लब जयपुर का, उसके बंदे भी आ रहे हैं, जैसे कि राजकुमार आ रहा है, क्रियांशु आ रहा है, और काफी सारे लोग आ रहे हैं। तो चलो चलते हैं अपन इवेंट के अंदर। भी आ रही है और डेस्टिनेशन, ये अपनी बाइक्स खड़ी है यहाँ पे, नई वाली KTM की, सारी KTM की 390 जो अभी जस्ट न्यूली लॉन्च हुई है, नई वाली, और इसके पास खड़ी है, और डोमिनार वगैरह, RR वगैरह वो सब खड़ी है। और उसके साथ में 400 पूसा भी आ गई, जस्ट चेकआउट करो ये पूसा। और उधर भी एक पूसा खड़ी है वाइट कलर में, उसका साउंड खराब हो गया, ऐसे करता है। ये अपनी डुई में देगा, ये ऐसे कर दोगे, ये डुई ऊंची की है जो तो राजकुमार होता है इसकी, ये गाड़ी। अभी अपन चल रहे हैं शोरूम में, शोरूम के अंदर की साइड चल रहे हैं। ये ऋषभ मोटर से सुजुकी का शोरूम है, जो यहाँ पे चल रहे हैं। ये देखो पास में भूसा बन गया, ये तो ये भूसा खड़ी है, और एक वो भूसा खड़ी है, एक और भूसा खड़ी है। इधर चलते हैं, अंदर आ चुके हैं, और ये जो ये बाइक है यहाँ पे सारे खड़े हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं ये बाइक वगैरह की, गरीब ग्रियांश की बाइक, बातचीत कर रहे हैं, बाल जचा रहा है इसके बाल जो कैसे हैं। देखते हैं सर इवेंट सकते क्या क्या सीन है, देखते हैं आपको थोड़ी देर में कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ये सब सारे राइडर्स आ चुके हैं, जिनकी बूथ वगैरह सारी बाइकें हैं, और ये रे भाई लोग जिन्होंने बुलाया, ये माइक वगैरह लगा लिया, अभी जस्ट ही करेंगे अनाउंसमेंट। तो सुनते हैं क्या अनाउंसमेंट करते हैं, फिर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है डेस्टिनेशन, वहाँ चलेंगे, वहाँ जाके अपन सारे इवेंट के मजे लेंगे। फिर वहाँ पर ऑफ रोडिंग, फूड वगैरह सारे फन एक्टिविटीज़ हैं। यार इसका ये मेरे को मिला ना, ये LED वाला बैग,
काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसको, लेकिन ये इसकी जैकेट से मैच नहीं कर रहा, अपनी जैकेट से मैच करेगा, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, अपने ये देख लेना जल्द से जल्द। चलो भाई भूसा लेते हैं। नहीं तो स्टार्ट करते हैं, किसी को कोई डाउट? नो सर। बाकी बाइक वाले अभी आ सकते हैं, अभी मौका है हमारे पास, काफी बाइक है, उनकी भी बाइक लेते हैं। चलो ठीक है, बाइक लेते हैं। आपको शोरूम के सामने ही एयरपोर्ट है, आपको प्लेन्स वगैरह दिख रही होगी, तो मेरे सामने प्लेन्स वगैरह खड़ी है, और ये एयरपोर्ट के जस्ट पीछे ही साइड में मेरा है, तो उधर एयरपोर्ट है, और ये इधर की साइड में शोरूम है, तो अभी चल रहे हैं सारे लोग वगैरह हो गए, साथ वगैरह स्टॉप हो गए, सबसे आगे पूछा होगी, उसके पीछे अपनी बाइक होगी, तो हम निकलते हैं। अभी मेरी बाइक से नाम बताता नहीं, सभी लोग जानते हैं बाइक वगैरह, देखते हैं कौन कौन सी बाइक्स है। लव करवा रहे हैं, और देखो ये आर आर क्या ही कॉम्बिनेशन है, आर आर और ये सारी बाइक्स वगैरह खड़ी है अभी, और ये भूसा वगैरह पीछे साइड में इन्होंने अभी जस्ट फिलअप करवाया, अभी चल रहा है डेस्टिनेशन पे, यहाँ से कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर है डेस्टिनेशन सिर्फ, तो अभी वाले पीछे से बैक फायर मार दिए, सभी को पसंद आ रही है, इसकी आर आर शाइनिंग ब्लैक, वो वाइट, और एक और चीज़ जेएस फिल्म्स के पास है ना, जेएस बाजी के पास में वैसी वैसी भी मतलब की भूसा है, अभी चलते हैं डेस्टिनेशन पर, डेस्टिनेशन में नहीं मिलेंगे, पहले GoPro से क्लिप्स वगैरह भी रिकॉर्ड करेंगे। सारे राइडर्स सब चुके हैं, 200 फीट बाइक पास से बाइक से ये तो रहते हैं, टायर चेकअप कर रहे हैं, और ये टायर मेरे को सेम टायर जो लगवाना कितना मोटा है, 180 का है ये, छपरी राइडर नहीं बोलेंगे, मजाक कर रहे हैं, चलते ड्यूटी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, और जो राइडर्स का वेट कर रहे हैं हम, उनको आ जाएँ साथ, सारे के सारे चलेंगे।
गाइस वी आर रीच आवर डेस्टिनेशन। यहाँ पे सारी सगी सारी बाइक खड़ी है और यहाँ पे देखो क्या दिखाता हूँ आपको, एक 20 मिनी कूपर भाई, लिटिल है लेकिन बहुत ज़्यादा भयंकर भागती है ये और काफ़ी महंगी भी आती है, स्विफ्ट जैसी दिखती है लेकिन ये मिनी कूपर आज मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे सामने जस्ट खड़ी है ये। और ये देखो सारी की सारी बाइक है और अभी जैसे यहाँ पे वो एक फॉर्म फिल करना है जिसको वी स्ट्रोम एक्सपीरियंस करना है उसके लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, वो फॉर्म फिल करते हैं और फिर अपन दिखाते हैं कि कैसी चलती है कैसी, अपन वी स्ट्रोम चला के भी दिखाएंगे आपको, एक्सपीरियंस करेंगे। वो सारी बाइकें खड़ी है वहाँ पे, तो मिलते हैं आपको सीधा फॉर्म भर के। ठीक है, कर रहे हैं जो फोर्डिंग से पहले वी स्ट्रोम चलाने से पहले अपन को फॉर्म फिल करना है, वो ये फिल कर रहे हैं और फिर अपन चलेंगे 10 मिनट के अंदर ऑफ रोडिंग करने के लिए। पहले फॉर्म फिल करते हैं और फिर मिलते हैं आपको ऑफ रोडिंग वाले ट्रैक पे सीधा। अपने फॉर्म फिल कर दिया और पीछे की साइड में चल रहे हैं, जो इसके पीछे की साइड में ट्रैक है वो दिखाते हैं आपको, कितना खड्डे वड्डे सारे हैं उसमें, ऑफ रोडिंग ट्रैक है ना इसलिए खड्डे वगैरह तो होंगे ही। और ये इनका फार्म हाउस है सुजुकी वालों का और इसके पीछे की साइड में ट्रैक बना हुआ है, तो दिखाते हैं आपको। यहाँ पे वी स्ट्रोम चलाएंगे अपन, तो ये रहे अपन पीछे से की साइड आ गए हैं और आप दिख रहा होगा, दिखाता हूँ, दिखा नहीं अब दिखेगा। तो ये रहा ट्रैक और यहाँ पे वो देखो कैसे बाइक्स वगैरह चला रहे हैं। ऑफ रोडिंग कर रहे हैं सारे के सारे, काफी मिट्टी मिट्टी उठ रही है वैसे। सबसे पहले इनको राइड दीजिए, टेक्निक होती है यार, समझते नहीं हो तुम लोग। अमन जी पास लेगी, इन्होंने कहा कि अगर पसंद आ गई ना अभी तो टेक्निक। अरे वो बढ़िया आदमी है, कुछ नहीं लगा, पहिया भी ना लेगा वो। अभी जस्ट चला के आया हूँ, मेरे पैर दूसरे बैंग मिट्टी मिट्टी कर दी मिट्टी मिट्टी कर दी मेरे पैर दूसरे भाई, इतना भयंकर जंप मार के आया ना वहां से, इतना भयंकर, कम से कम 3 फुट तो हवा में थी बाइक। और अभी जस्ट उतरे हैं, गोप्रो में सारा रिकॉर्ड किया है, सारा का सारा दिखाएंगे आपको, काफी दिख जाएगा आपको कैसे दिखा, मतलब ये बोल रहा हूँ उससे पहले दिख गया होगा आपको कि भाई साहब कैसे कैसे जंप आए भाई साहब, बहुत मजा आ गया। एक बार और राउंड लेंगे इसका, देखते हैं कैसे और एक्सपीरियंस लेंगे इसमें, मजा आता है वैसे बाइक चलाने में यार।